वेलकम टू फ्यूचर एयर दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एशियन पेंट ट्रू केयर की तरफ से दोस्तों एयर ब्लोअर लेके आया हूँ। दोस्तों जो शायद वीडियो का मैंने लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 5000 का रखा, वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। दोस्तों एक हमें इसके साथ यूजर मैनुअल मिलता है और दोस्तों इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसको आमतौर पर हम क्या करते हैं इसको साइड में फेंक देते हैं। और जो सी हमें इसके साथ वारंटी मिलती है 6 महीने की मिलती है। और दोस्तों एक हमें इसके साथ पाइप मिलता है, सिलिकॉन पाइप है। और दोस्तों एक हमें इसके साथ जाली मिलती है प्रोटेक्शन के लिए, ये भी मैं बताऊँगा ये किस जगह इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आइए ब्लोअर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों जैसे आप कलर कॉम्बिनेशन के बारे में देखो तो इस कंपनी का ज़्यादातर कलर येलो और ब्लैक के अंदर होता है। अगर मैं इसकी वायर की बात करूँ तो 2 मीटर कॉपर वायर इन्होंने इसके अंदर दे रखी है। अगर दोस्तों इसके मैं ग्रिप के हैंडल ग्रिप की बात करूँ तो 1 से 2 घंटे आप बड़ी आसानी से इसके साथ वर्क कर सकते हो। और यहाँ इन्होंने ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है। अगर आपने लगातार भी अगर इसको चलाना तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लॉक है, इसको ऐसे करके लॉक कर देना, ये लगातार आपका चल सकता है। और दोस्तों जैसे हमारी मोटर की हीट वगैरह बाहर निकलने के लिए यहाँ पर इन्होंने विंडो दे रखी है, यहाँ से हीट हमारी बाहर हो जाएगी। कभी भी इसको लॉक मत होने देना, ये ओपन ही रहने चाहिए। और दोस्तों इन्होंने लेफ्ट राइट में कार्बन ब्रश दे रखे हैं, यानी कि अंदर की तरफ नहीं दे रखे, इन्होंने बाहर की तरफ दे रखे हैं। बड़ी आसानी से आप इनको यानी कि निकाल के फिट कर सकते हो। अगर दोस्तों मैं इसकी RPM की बात करूं तो 14,000 है, यानी कि 1 मिनट में 14,000 बार जे घूम जाता है। अगर दोस्तों मैं इसकी वाट की बात करूं तो 500 वाट का है। अगर मैं दोस्तों इसकी मटेरियल की बात करूं तो कंपनी ने काफ़ी हाई क्वालिटी का इसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल लगा रखा। चलो दोस्तों इसकी जो से हमें इसके साथ फिटिंग मिली है उसको हम फिट करके दिखाते हैं। दोस्तों जो से हमारा सिलिकॉन पाइप है इस जगह लगता है, इसके अंदर क्या 2 लॉक इन्होंने दे रखे हैं। तो यहाँ पर भी है, ये देखो ये इस तरीके से हमने डालना है, इस तरीके से डाल के हमने इसको घुमा देना है। ये हमारा सिलिकॉन ये पैप दोस्तों इतना सॉफ्ट है, कल को आप कहीं भी यानी कि वर्किंग वगैरह इससे सफाई वगैरह करते हो ये नहीं है कि ये टच हो गया वहाँ पर आपको स्केच वगैरह डाल देगा, यानी कि घर में से कोने कोने में से ये यानी कि साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरीके से करेगा। अगर दोस्तों आप पूछ रहे होंगे ये जाली किस काम आती है, ये जाली हमारी इस जगह लगती है, यानी कि ये ब्लोअर के साथ साथ ये वैक्यूम का काम भी करता है। क्योंकि इसके साथ क्या ये जाली लगाने के बाद ये हमने पाइप क्या कर देना है, इधर की तरफ इसको कर देना है, इधर लगा देना है, ये हमारा इधर लग गया पाइप। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ना एक बैग आता है वो लगा देना, क्योंकि बैग आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, यानी कि ब्लोअर के साथ साथ ये वैक्यूम का काम भी करेगा। दोस्तों ये जो सा हमारा ब्लोअर है यानी कि समझो ऐसा है ये यानी कि यूनिवर्सल है, हर एक फील्ड में काम आता है, मैकेनिकल लाइन में, वुडवर्किंग के लाइन में। जैसे हमारी वर्कशॉप वगैरह सुबह आगे जैसे हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं, बहुत बड़ा एरिया है, मेरी वर्कशॉप का खुद इतना बड़ा एरिया यानी कि मैंने अपने कारीगरों को दे रखा है। जैसे आप मेरी पीछे डिस्प्ले वगैरह देख रहे हो, यहाँ पर धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है, अगर मैं एक एक सामान को उठा के साफ करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी भी देखो इसमें धूल मिट्टी वगैरह, ये देखो। तो दोस्तों ये हर एक जैसे घरों में बहुत ज़्यादा काम आता है, विंडो वगैरह यानी कि कोई भी आपने साफ़ सफाई वगैरह करनी है, AC की करनी है, आपने गाड़ी वगैरह जैसे वॉश वगैरह कर लेते हो उसको सुखाना, उस जगह काम आता है। बाकी मैं दोस्तों इसकी आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ कैसे हम इसकी वर्किंग कर रहे हैं। Wow.
दोस्तों, बलोर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया किस तरीके से हमें इसकी फिटिंग करनी है और किस तरीके से हम इसकी वर्किंग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी कारीगरों की भी ये पहली पसंद हो चुका है। जब हम कभी भी सुबह वर्कशॉप की सफाई वगैरह करते हैं, यहाँ हमें आधे से पौना घंटा लगता था, वहीं हमें 7-8 मिनट में इसकी सफाई हो जाती है। अगर दोस्तों आपको ये परचेज करना है तो अमेजोन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हो। और दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।